Hi, I am Vartika and welcome back to my channel. आज इस वीडियो में मैं आपको अपनी एक ड्रग स्टोर मेकअप किट बनाने के लिए प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस देने वाली हूँ. सो माई मेकअप का पिटारा कैन बिकम योर मेकअप का पिटारा एज वेल. और हाँ, मैं आपको मेकअप के साथ में कौन से मेकअप टूल्स यूज करने हैं, कौन से ब्रशेस अच्छे जाते हैं, कौन सा ब्यूटी ब्लेंडर यूज करना है, वो भी बताने वाली हूँ. सो प्लीज स्टे ट्यून्ड टिल द एंड. ऑल्सो बाय एनी मीन्स, अगर मेबेलिन के साइड से कोई भी ये वीडियो देख रहा है तो प्लीज कंसिडर स्पॉन्सरिंग मी बिकॉज योर प्रोडक्ट्स फिट मी. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, माई फेवरेट मेकअप ब्रांड्स फ्रॉम द ड्रग स्टोर कैटेगरी आर मेबेलिन, नायका कॉस्मेटिक्स, शुगर कॉस्मेटिक्स एज वेल एज के ब्यूटी बाय कैटरीना. और इन सब का कारण ये है कि ये सब तो सबसे पहले बिगिनर फ्रेंडली है, इनका फॉर्मूला काफ़ी अच्छा है, इंडियन स्किन टोन के साथ में काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो जाते हैं, इनका शेड रेंज भी अच्छा है और इजीली अवेलेबल है, एंड पॉकेट फ्रेंडली बिकॉज ड्रग स्टोर. सो दैट इज़ वाई ये सारे मेरे फेवरेट मेकअप ब्रांड्स हैं. तो प्रोडक्ट्स को स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले प्राइमर लगाना बहुत ज़रूरी होता है, बेस के लिए बहुत ही एसेंशियल है. मेरे पास प्राइमर के 3 रिकमेंडेशंस हैं. फर्स्ट इज़ द मेबेलिन फिट मी प्राइमर. इसमें 2 वेरिएंट्स आते हैं, 1 इज़ द मैट एंड पोरलेस वन, 2 इज़ द ड्यूई एंड स्मूथ वन. तो आपको जिस तरह का फिनिश चाहिए आप उस तरह का यूज़ कर सकते हैं. मैं पोरलेस वाला लेती हूँ बिकॉज मुझे काफ़ी लार्ज पोर्स हैं. अगर आपको स्मूथ फिनिश पसंद है तो आप ड्यूई वाला भी ले सकते हैं. सेकेंड जो मेरा रिकमेंडेशन है वो नायका का प्रेप मी प्राइमर है. एंड थर्ड रिकमेंडेशन इज लैकमे एब्सोल्यूट अंडरकवर जेल प्राइमर. इन ये तीनों काफ़ी अच्छे प्राइमर्स हैं, आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई भी ले सकते हैं. तो चलिए फाउंडेशन की तरफ बढ़ते हैं. फाउंडेशन में आई वुड सजेस्ट कोई भी ऐसा फाउंडेशन लीजिए जो कि लाइट वेट हो, ताकि आपकी स्किन पर ज़्यादा टाइम तक रहे तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो. सेकेंड, बिल्डेबल होना चाहिए. बिल्डेबल का मतलब ये होता है कि आपने एक लेयर लगा ली फाउंडेशन की, उसके बाद आप दूसरी लेयर लगा सके अगर आपको उस फाउंडेशन को ऐसा हाई कवरेज फाउंडेशन यूज़ भी करना है. तो मेरे पास फाउंडेशन की 3 रिकमेंडेशंस हैं. फर्स्ट इज़ द मेबेलिन, इसका फिट मी फाउंडेशन बहुत अच्छा आता है. सेकेंड, नायका का स्किन शील्ड फाउंडेशन बहुत अच्छा आता है. थर्ड, लैक्मे का 9 to 5 फाउंडेशन इज़ एवरग्रीन. फोर्थ, मिलानी का फाउंडेशन है. अभी तक मैंने ट्राई नहीं किया है, मैंने काफ़ी लोगों से इसके बारे में सुना है, मुझे काफ़ी अच्छा भी लगा है. सो दैट विल डेफिनेटली बी माई नेक्स्ट परचेज. सो प्राइमर और फाउंडेशन छोड़ जाने के बाद हम लगाएंगे अपने फेस पे कंसीलर. कंसीलर क्यों लगाया जाता है, उसके 2 यूजेज होते हैं. फर्स्ट, आपके डार्क सर्कल्स, कोई भी अनइवन स्पॉट्स को हाइड करने के लिए, कंसील करने के लिए. एंड सेकेंड रीज़न उसका ये होता है कि उससे आप अपने अंडर आई एरिया को लाइटन ब्राइटन भी कर सकते हैं. तो उसके लिए मेरे पास 3 रिकमेंडेशंस हैं. एक तो मेबेलिन का फिट मी स्टिक कंसीलर. सेकेंड इज़ ऑल्सो अगेन फ्रॉम मेबेलिन, बट इट इज़ देयर एज रिवाइंड कंसीलर. एंड थर्ड वन इज़ फ्रॉम द एले गर्ल, वो मैंने बहुत सुना है उसके बारे में. सो डेफिनेटली एडिंग दैट टू माई परचेज लिस्ट, बट आप उसे ट्राई कर सकते हैं. लेट्स मूव ऑन टू पाउडर्स. मार्केट में 2 तरह के पाउडर्स आते हैं. फर्स्ट इज़ द प्रेस्ड या तो कॉम्पैक्ट पाउडर भी उसे बोला जाता है. उसमें मैं सजेस्ट करूँगी मेबेलिन का कॉम्पैक्ट पाउडर आता है एंड लैक्मे का कॉम्पैक्ट पाउडर आता है. अगर आपकी स्किन ड्राई है तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर कॉम्पैक्ट पाउडर्स. वरना जो कि दूसरी कैटेगरी है विच आर द लूज पाउडर्स, वो मैं सजेस्ट करूँगी कॉम्बिनेशनल टू ऑयली स्किन टाइप्स के लिए. उसमें भी मेरे 2 रिकमेंडेशंस हैं. फर्स्ट इज़ द मेबेलिन फिट मी का जो लूज पाउडर आता है वो, एंड सेकेंड इज़ द के ब्यूटी का एक अल्ट्रा सेटिंग HD पाउडर आता है. नाम एग्जैक्ट मैं स्क्रीन पे दे ही दूंगी आपको, तो वो आप ट्राई कर सकते हैं. तो चलिए अब मूव करते हैं अपने फेस को सबसे ज़्यादा अच्छे से डिफाइन करने वाले एलिमेंट पे, जो कि है आईब्राउज. आईब्राउज के लिए आप नायका की ब्राउ चिकोवावा पेंसिल को यूज़ कर सकते हैं, या तो फिर शुगर की भी एक आर्च डिफाइनर पेंसिल आती है, वो भी काफ़ी अच्छी है. लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एक अलग से पेंसिल ना लें और आई शेडो से ही आईब्राउज अपनी बनाएं, तो उसके लिए आप मेरे वीडियो को चेक कर सकते हैं जो कि यहाँ पर मैंने लिंक कर दिया होगा. ऑल्सो मैंने सोप ब्राउज के ऊपर भी ट्यूटोरियल दिया हुआ है, तो वो भी यहाँ पे मेंशन कर दूंगी. सो प्लीज़ चेक दिस वीडियो आउट. तो चलिए मूव करते हैं ब्लशेज और कॉन्टोर की तरफ. क्योंकि ये बिगिनर किट है तो आई वुड सजेस्ट कि ऐसे एक कॉम्बो में इन्वेस्ट करिए जिसमें ब्लश, कॉन्टोर और हाइलाइटर साथ में आ जाए. जैसे कि शुगर की कॉन्टोर दे फोर्स पैलेट है, जिसमें तीनों चीज़ें आपको साथ में मिल जाती हैं. ट्रैवल फ्रेंडली भी है, पॉकेट फ्रेंडली भी है, अलग से नहीं लेना पड़ता. बट अगर आप अलग से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आई वुड सजेस्ट कि के ब्यूटी के जो ब्लशेज आते हैं वो, और मेबेलिन फिट मी के जो ब्लशेज आते हैं, उन दोनों का काफ़ी अच्छा पिगमेंट है, कलर रेंज भी अच्छी है, शेड रेंज आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं. आज भी मैंने मेबेलिन का ही ब्लश लगाया हुआ है, न्यूड कलर का. सो आप वो भी चेक कर सकते हैं. ऑल्सो कॉन्टोर के लिए के ब्यूटी की कॉन्टोर स्टिक काफ़ी अच्छी आती है. उसके अलावा शुगर की भी कॉन्टोर स्टिक अच्छी आती है, आप उन दोनों में से कोई भी ट्राई कर सकते हैं.
अभी तक की जितनी भी सारी चीज़ें मैंने बताई और जो भी चीज़ें मैं बताने जाने वाली हूँ, उन सब का नाम, एग्जैक्ट शेड रेंज और उनकी लिंक्स आपकी कन्वीनियंस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगी, तो प्लीज़ चेक दैट आउट। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर आईज। आईज के लिए सबसे पहले काजल होता है, तो काजल के लिए दो रिकमेंडेशंस है मेरे पास। एक तो सबसे पहले मेबलिन का कोलोसल काजल काफ़ी अच्छा आता है, पॉकेट फ्रेंडली है, लेकिन इफ़ द बजट इज़ नॉट अ बार फॉर यू तो आप जा सकते हैं प्लम का काजल, वो बहुत अच्छा आता है, वाटरप्रूफ है एंड इट इज़ माई फेवरेट। देन मूविंग ऑन टू आई लाइनर के लिए भी मेबलिन की कोलोसल रेंज का ही आई लाइनर आता है, काफ़ी अच्छा है, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि आप लैक्मे का इंस्टा लाइनर यूज़ करिए, उसमें काफ़ी सारे शेड्स आते हैं, ईजिली आपको कोई भी कॉस्मेटिक स्टोर पर मिल जाएगा। फॉर आई शेडोज आई वुड सजेस्ट कि आप पहले डिफाइन करिए कि आपको किस तरह की आई शेडोज अपने ऊपर पसंद है। क्या आपको ब्राउन टोन्स अच्छे लगते हैं, क्या आपको पिंक पर्पल जैसे टोन्स अच्छे लगते हैं, या तो फिर आपको मिक्स शेड्स पसंद है लगाना, तो उस हिसाब से जो आपने डिसाइड किया है उसके बाद आप आई शेडोज खरीद सकते हैं। स्टिल आई वुड सजेस्ट कि आप कॉम्बोज में इन्वेस्ट करिए, जैसे कि मेकअप रेवोल्यूशन का एक मेकअप रिलोडेड कॉम्बो आता है, सेकंड नायका कॉस्मेटिक्स की भी आई शेडोज में काफ़ी सारे शेड्स, कॉम्बोज और पिगमेंट भी बहुत अच्छा आता है, तो आप इन दोनों में से कोई भी आई शेडोज ट्राई कर सकते हैं ब्लाइंडली। इवन आज का जो मेकअप लुक मैंने कर रखा है ना, ये भी मैंने नायका की ही एक मेकअप पैलेट से किया है, तो अगर आप चाहते हैं कि इस लुक पर मैं आपको एक वीडियो बना के दूँ तो मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताना। तो अभी आई लुक को कंप्लीट करने के लिए लेट्स मूव ऑन टू मस्कारास। मस्कारास में भी मेरे दो रिकमेंडेशंस हैं। फर्स्ट इज़ द लॉरियल पैराडाइज वॉल्यूमिनस लैश पैराडाइज मस्कारा, नाम मैं स्क्रीन पे दे दूंगी, एंड सेकंड इज़ द मेबलिन का हाइपर कर्ल मस्कारा। दोनों वाटरप्रूफ हैं, उनके एप्लीकेटर्स भी काफ़ी अच्छे हैं, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। इन दोनों में से आप कोई भी मस्कारा सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब मूव ऑन करते हैं सबकी फेवरेट लिपस्टिक्स के ऊपर। लिपस्टिक्स में आई वुड सजेस्ट कि हर कलर फैमिली से एक एक लिपस्टिक्स तो उठा ही लीजिए। जैसे कि सबसे पहले हम बढ़ते हैं रेड की तरफ, तो रेड कलर फैमिली से आई हैव दिस नायका की क्रीमी मैट। इसका मैं आपको स्वॉच करके दिखाती हूँ, ये इसका शेड है, कुछ ऐसा आता है, काफ़ी अच्छा रेड शेड है। उसके अलावा अगर आप मैट रेड में जाना चाहते हैं तो आप ये स्मैशबॉक्स की जो एक है, मैं आपको शेड स्क्रीन पे मेंशन कर दूँगी, वो भी यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा है इसका शेड भी। तो अभी ना एक और रिकमेंडेशन है मेरे पास आपके लिए, आप स्मैशबॉक्स का ऐसा एक कॉम्बो सेट ले सकते हैं जिसमें ये दोनों काफ़ी अच्छे प्राइस पे मिलती हैं आपको मिनी लिपस्टिक्स, और ये नायका पे काफ़ी बार अवेलेबल होती हैं, अभी आउट ऑफ स्टॉक है बट आप इसे चेक करते रह सकते हैं। तो इनका काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है एंड मैट है, प्लस स्मैशबॉक्स सो क्वालिटी का तो कोई वो ही नहीं है। तो लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड फैमिली विच इज़ द पिंक फैमिली। पिंक फैमिली में से भी मेरे पास नायका क्रीमी मैट की कुछ लिपस्टिक है, एक लिपस्टिक है जो कि ऐसी दिखती है, काफ़ी अच्छा शेड है ना पिंक में, एक एकदम हॉट पिंक कलर है, अभी बहुत ट्रेंड में है। देन वील मूव ऑन टू द न्यूड फैमिली। न्यूड में दो तरह की न्यूड आती हैं, एक होती है ब्राउन बेस्ड न्यूड और एक होती है पिंक बेस्ड न्यूड। तो ब्राउन में भी अगेन नायका की क्रीमी मैट, आप जान ही चुके होंगे कि ये नायका की क्रीमी मैट रेंज बहुत अच्छी है, उसमें से ये वाला न्यूड शेड ब्राउन शेड में है, ये वेकअप एंड मेकअप है आई गेस, तो ये शेड भी काफ़ी अच्छा है, ये शेड भी मैंने अपने अभी लिप्स पे लगाया हुआ है, काफ़ी अच्छा शेड है। उसके अलावा पिंक न्यूड में अगेन स्मैशबॉक्स की ये गुलाबाई लिपस्टिक है, ये बहुत अच्छी है। तो ये सारे थे मेरे लिपस्टिक के रिकमेंडेशंस, आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं, अगेन सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन होगी। और इसके अलावा अगर आपको टिंट्स में इंटरेस्ट है तो फेस शॉप की टिंट काफ़ी अच्छी है, ये बहुत पिगमेंटेड होती है, आप इसको अपने लिप्स एज वेल एज चीक्स दोनों पे यूज़ कर सकते हैं। इसका भी मैं आपको स्वॉच करके बताती हूँ, ये बहुत पिगमेंटेड होती है और इसकी स्मेल ना बहुत अच्छी होती है, आपको स्मेल करके देखना पड़ेगा इसको एक बार, एंड यूज़ में भी ये काफ़ी अच्छी है, बहुत टाइम तक स्टे भी करती है। सो दीज वर माई लिपस्टिक रिकमेंडेशंस। अभी इतना अच्छा मेकअप किया तो सेट करना तो बनता है, तो सेट करने के लिए दो सेटिंग स्प्रे मैं रिकमेंड करूँगी। फर्स्ट इज़ द शुगर का सेटिंग स्प्रे, ग्रैंड फिनाले डूई और मैट फिनिश दोनों में आता है, एंड सेकेंड निक्स कॉस्मेटिक करके एक ब्रांड है, उसका भी काफ़ी अच्छा सेटिंग स्प्रे आता है। इवन वेट एंड वाइल्ड का सेटिंग स्प्रे बहुत अच्छा आता है बट मैंने कभी ट्राई नहीं किया, बट आप उसे ट्राई कर सकते हैं। ओ यू मस्ट बी थिंकिंग कि ये तो हाईलाइटर भूल गई, लेकिन नहीं, सेटिंग स्प्रे लगाने के बाद अगर आप हाईलाइटर अप्लाई करते हैं तो काफ़ी अच्छा हाईलाइटर का लुक आता है, इसीलिए उसको सेटिंग स्प्रे के बाद में बता रही हूँ। हाईलाइटर में भी मेरे पास दो रिकमेंडेशंस हैं। फर्स्ट इज़ द मेबलिन का मास्टर क्रोम का हाईलाइटर एंड सेकेंड इज़ द वेट एंड वाइल्ड का हाईलाइटर। दोनों काफ़ी अच्छे हाईलाइटर हैं। अगर आप मुझसे मेरा फेवरेट पूछेंगे तो मैं वेट एंड वाइल्ड का बोलूँगी, ब्लॉसम ग्लो हाईलाइटर उसका आता है,
काफी अच्छा है. इवन आई एम वेयरिंग दैट ऑन माय फेस राइट नाउ, अगर आप देख पा रहे हो, कैमरा कैप्चर कर पा रहा हो तो. सो दीज वर माय मेकअप प्रोडक्ट्स के पिक. बट नाउ लेट्स मूव ऑन टू एज प्रॉमिस्ड आवर मेकअप टूल्स. मेकअप टूल्स में आते हैं मेकअप ब्रशेस, ब्यूटी ब्लेंडर्स एंड एक आईलैश कर्लर. बिगिनर्स किट में तो इतना ही आता है. तो सबसे पहले मैं सजेस्ट करूँगी कि आप आई ब्रशेस के लिए या ब्रशेस के लिए आप पैक का ब्रांड प्रेफर करिए. पैक ब्रांड के ब्रशेस बहुत अच्छे आते हैं, काफ़ी ड्यूरेबल होते हैं, उनको धोने पे उनके हेयर निकलते नहीं हैं. तो सबसे पहले आई वुड सजेस्ट कि एक ब्लश ब्रश यूज़ करिए. कुछ इस तरह का ब्लश ब्रश होता है कि थोड़ा फ्लफी होता है और इससे आप पाउडर भी लगा सकते हैं, लाइक लूज पाउडर को सेट करने के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं. सो ये एक मल्टीपर्पज़ ब्रश की तरह काम करता है. फिर उसके बाद बाकी तो काम आता है आई शेडोज को अप्लाई करने में, मतलब आई लुक्स क्रिएट करने में. तो उसके लिए मेरे पास ये पैक की एक आई ब्रशेस का एक सेट है. आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं. तो उसमें आपको सारे तरह के ब्रश मिल जाते हैं, जैसे कि इसमें एक लाइनर ब्रश होता है, फिर उसके बाद कंसीलर ब्रश भी होता है, फिर एंगल्ड ब्रश भी होता है. तो आप एक ऐसे में इन्वेस्ट कर सकते हैं जिसमें आपको सारे ब्रशेज मिल जाए. फिर उसके बाद फाउंडेशन अप्लाई करने के लिए भी फ्लैट ब्रशेज आते हैं, स्टिपलिंग ब्रशेज आते हैं, लेकिन आई वुड सजेस्ट ब्यूटी ब्लेंडर एक अच्छा काम करता है. ये ब्यूटी ब्लेंडर नायका की तरफ से है. इवन पैक के ब्यूटी ब्लेंडर्स आते हैं, तो आप कोई भी अपने हिसाब का ब्यूटी ब्लेंडर से अपने फाउंडेशन को, कंसीलर को अच्छे से लगा सकते हैं. उसके लिए अलग से ब्रश की जरूरत नहीं है. बट इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद ब्रशेज देन गो फॉर स्टिपलिंग ब्रशेज. और कलर के लिए मेरे पास ये एक वेगा का कलर है, काफ़ी पुराना सा है, इजीली कोई भी कॉस्मेटिक शॉप में मिल जाता है. आप जाके वहाँ से कोई भी कलर ले लीजिए, वो आपके लिए अच्छे से काम करेगा. बट याद रखिए, कलर को यूज़ करते वक्त ना बहुत ध्यान रखिए. अगर आपने बहुत ज़ोर से करके पुल कर दिया ना आपने उसको, तो आपकी आईलैशेस पूरी तरह से निकल सकती हैं. सो एक ये कॉशन आता ही है कलर के साथ. सो दीज वर माय रिकमेंडेशंस. आप इसमें से मिक्स एंड मैच करके अपने नीड्स के अकॉर्डिंगली अपनी बिगिनर्स मेकअप किट बिल्ड कर सकते हैं. आई नो वीडियो थोड़ा लंबा था, लेकिन सब चीज़ें कवर करनी थी तो थोड़ा लंबा हो गया. इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन यू नो द यूट्यूब ड्रिल. यू हैव टू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, कॉमेंट योर थॉट्स बिलो एंड सब्सक्राइब टू वाइब विद वर्तिका. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. टिल देन स्टे ट्यून टू माई चैनल. टेक केयर. बाय बाय.